Mount Everest is a dream for I think every Indian. And आप बेस कैंप पे जाकर आए हैं, इट इज नॉट इजी, वी डेफिनेटली नो इट, वेदर कंडीशंस, शूटिंग स्केड्यूल्स, यू नो होल, इतना लंबा ट्रिप रहता है, इतनी लंबी प्रिपरेशन रहती है, तो कैसे पहले आपने ये सोचा कि माउंट एवरेस्ट के यू नो एटलीस्ट बेस कैंप तक यू शुड बी देयर? एक्चुअली आई वुड जस्ट से दैट यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं स्पोर्ट्स में हमेशा रही हूँ एंड पहाड़ी होने की वजह से माउंटेन से एक अलग लगाव रहता है. तो बचपन से माउंट एवरेस्ट को देखा है, दूर से ऐसे देखा है, लेकिन एक था कि शायद कभी यू नो बेस कैंप या कहीं ट्रैक कर सकूँ. बट देन यू नो एज इट इज़ प्रोफेशन चेंज हो गया एकदम से, स्पोर्ट्स से आई कम्प्लीटली केम इनटू एक्टिंग इन एवरीथिंग, तो लगा शायद अब तो टाइम निकलेगा ही नहीं बिकॉज दिस नीड लिटिल प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू. तो मैं सोचती रही कि हाँ ठीक है शायद अब नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली मेरे पास यू नो मैं ऐसी बैठी थी और बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि वॉट इफ़ आई कैन डू बेस कैंप नाउ. तो आई just got up in the morning and I told my mom, she was sitting with me, and I said do you think I should do Mount Everest base camp, like trek till there? So I think mujhe laga tha wo mana kar dengi, lekin she was the first one who jumped and said yes 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 you should do it. Phir then my dad also came and he was like you have to do this. So I was like fine okay, then I you know actually inquired about it. To काफ़ी चीज़ें लाइक आई डिड अ 3 months ट्रेनिंग फॉर दिस, देर वर सर्टन काइंड ऑफ वर्कआउट दैट आई हैड टू डू, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मेरा शूटिंग का भी यू नो उसमें मैच करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें भी एक डेडिकेशन चाहिए एंड ऑब्वियसली एक्टिंग टेक्स मैक्सिमम टाइम ऑफ अस. तो मैंने सोचा कि ठीक है इसको करके देखते हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था ये हो पाएगा अब, लेकिन ये हो गया. एंड the thing was like I used to walk almost every day for 10 kilometers and there was a workout plan jo mujhe diya gaya tha and I used to follow that workout plan and more than anything jab bhi jis group ke sath main gayi thi usme sare unknown log the, to jab main unse mili to sabse pehle ha aise hua kyunki jo hamare main person the he is from army and he's retired colonel, he has already trekked Mount Everest and many other mountains and summits. तो मुझे लगा ये बहुत सेफ जोन है, यहाँ से मैं जा सकती हूँ बिकॉज उनको एक एक्सपीरियंस है एंड क्योंकि आर्मी फैमिली से हूँ तो कहीं ना कहीं एक फेथ फैक्टर ज़्यादा उन पर आ गया. और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, आई स्टार्टेड माई वर्कआउट रजीम्स एंड आई स्टार्टेड माई रनिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैड टू बाय सर्टन गेयर्स जो इम्पॉर्टेंट थे, स्पेसिफिकली शूज़ जो ट्रैकिंग बूट्स हैं विच वी वर आस्ड टू एटलीस्ट, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग जो हमें खरीद के पहन के ट्राई करना था क्योंकि वो शूज़ थोड़े हैवी होते हैं और ऊँचे होते हैं तो आप नॉर्मली उस पर उतना वर्क नहीं कर सकते, आप थक जाते हैं. तो वो शूज़ में सबसे पहले मैंने घर पर वॉक करना स्टार्ट किया, फिर देन यू स्टार्ट वॉकिंग इन एंड अराउंड और फिर वो शूज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे वेन वी आर ट्रैकिंग. सो वी वर स्पेसिफिकली मैंशन कि शूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख के उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करो. तो जब मैंने फर्स्ट डे पहना तो मैं बिल्कुल थक गई थी, सिर्फ वॉक कर रही थी और मैं थक गई थी और मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों थकी हूँ. बाद में मुझे रियलाइज हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शूज़ एंड दैट्स हाउ धीरे धीरे चीज़ें यू नो वी हैड टू चेंज एंड एवरी थिंग एंड फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज की. एक बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम लाई ताकि यू नो ये बेस कैंप एंड मोर देन एनीथिंग मेंटली बहुत स्ट्रांग होना था क्योंकि हमें बोला गया था कि फिजिकली ओके आप कर रहे हो सब हो लेकिन मेंटली गिव अप नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एल्टीट्यूड में जैसे आप जाते हैं ऊपर ऊपर और डिफ़िकल्टीज इतनी हैं, ठंड इतनी है, बिल्कुल ऑड चीज़ें हैं. मतलब अगर आप यहाँ देखो तो कितनी गर्मी है, मैं -18, -28 में थी एंड देन व्हेन आई केम हियर तो मैं एकदम ही मेरी बॉडी को समझ ही नहीं आया कि इतना चेंज ऑफ वेदर कैसे हैंडल करें बिकॉज देन आई फॉलन सिक ऑल्सो इन बिटवीन. तो काफ़ी चैलेंजिंग था बट आई एम सो हैप्पी आई कुड डू इट एंड मोर देन एनी थिंग मेरी मॉम और मेरे डैड बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया है. हाँ,
Also, this is all in all total 15 days trek. From here, I had to fly to Kathmandu, and then फिर वहाँ से we had to go to Ramechap, जो airport है. Ramechap airport से आपको Lukla जाना है. Now Lukla is one of the most dangerous airport. तो 22nd I flew from here to Kathmandu. 23rd को मैं Ramechap पे थी. हमारा आधा group पहली flight से Lukla में land हो गया. लेकिन जब हम लोग flight पे, मतलब 9 o'clock की फ़्लाइट थी, और हमें, मतलब एक हमारा ग्रुप जा चुका था, और हमारी फ़्लाइट कुछ ऐसा हुआ कि हमें 4 बजे तक वहाँ वेट करना पड़ा. और फिर जब हमने एयरक्राफ्ट में बैठे और बोर्ड किया और गए, तो 20 मिनट की फ़्लाइट हम आधे घंटे टर्बुलेंस में ऊपर घूमते रहे, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत टर्बुलेंस था और काफ़ी लोग डर भी गए थे और कहते हैं कि यहाँ से अगर आप Lukla पहुँच गए तब ट्रैक स्टार्ट होता है, बिकॉज़ वहाँ तक पहुँचना इज़ अगेन वेरी रिस्की. तो जैसे तैसे उस दिन तो हम नहीं, फ़्लाइट ऊपर घूमी और वापस हमें Ramechap पे छोड़ दिया कि फ़्लाइट नहीं जा सकती, लैंड ही नहीं हो रही है. सो उस वजह से हम ऑलरेडी एक दिन डिले हो चुके थे, क्योंकि हमारे आधा ग्रुप पहुंच चुका था और हम लोग ऑलरेडी हाँ एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे. एंड फाइनली उसके नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन 23rd, हम लोग फ्लाई किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाई किया और Lukla पहुँचे. और क्योंकि हमारा एक बफर डे जो होता है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया था, क्योंकि हम लैंड ही नहीं कर पाए एक दिन. सो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि सीधे ट्रैक करना, अदरवाइज फर्स्ट डे का हमारा सिर्फ 3-4 घंटे का ट्रैक था. लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हमारा फर्स्ट डे ही 17 to 16 किलोमीटर का ट्रैक था, विच वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे. तो उसमें निकले, सब किया, चढ़े, मतलब फर्स्ट डे वॉज ब्यूटिफुल बिकॉज सब एक्साइटमेंट में थे, डे लेट था बट चले जा रहे थे. बीच में वी स्टॉप, वी हैड ट्रेडिशनल जो उनकी थकाली थाली होती है, दैट वॉज फॉर अस टू ईट. बहुत हेल्दी, अच्छा खाना खाया हमने. द टीम जो हमें ले जा रही थी, बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, रियली नाइस एफिशिएंट टीम. और ऐसे हम चलते गए, मतलब ऑलमोस्ट 7th day आई वॉज एट माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प. लेकिन उससे 2 दिन पहले, लाइक बेस कैम्प पहुँचने से 2 दिन पहले, आई वॉज सीवियरली हिट बाई एल्टीट्यूड सिकनेस. एंड हमारे साथ की और सबको भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन मुझे जस्ट 2 डेज प्रायर, मतलब हम बेस कैंप 2 दिन में पहुँचने वाले हैं, और मुझे इतनी वॉमिटिंग्स, इतना सीवियर हेडेक जो बिल्कुल नहीं रुक रहा था. एंड ऑल बिकॉज मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड दैट मुझे करना है. सो आई वॉज टेलिंग माई टीम लीडर लाइक रोमिल सर दैट डोंट सेंड मी बैक. I was puking in the snow and I was telling him, don't send me back, I want to go to Mount Everest Base Camp. He was telling me continuously, ki Shweta ma'am, 2 din, sirf 2 din nahi to wapis bhejna padega. So all that happened, somehow, puri raat, because oxygen nahi aari, toh haap late ke nahi so pa rahi thi main. So all these, almost 15 days, main baith kar soyi hun. Because jab aapko oxygen nahi aati hai, toh aap late ke nahi so sakte hai. You have to sit इन स्लीप. तो बहुत कम नींद तो बहुत ही कम आई, मतलब मैं ये मानती हूँ कि मुझे 15 डेज में टोटल मिला के 6 to 7 hours का ही स्लीप हुआ है. क्योंकि जैसे ही मैं सोने लगती थी, आधे घंटे में हेडेक बहुत हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया है. सो दैट वाज वन थिंग विच वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप इतना ट्रैक कर रहे हो लेकिन आपको स्लीप नहीं मिल रही है एंड ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका थोड़ा और हेल्थ में. एंड मोर डिफ़िकल्टीज वो लाइक पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि हाथ डालो और मतलब फ्रीज ही हो जाओ, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई थी हमारे पानी के ऊपर भी, लाइक क्रिस्टल आपको ऐसे दिखेगा पूरा पानी. सो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, बट समहाउ विद द एंटायर माई विल पावर आई वुड से, बिकॉज मेरे को मेंटली था मुझे करना है, सिर्फ 2 दिन बचे, मैं वापस नहीं जाऊँगी. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टीम लीडर, ही वॉज पुशिंग मी कि नो नो यू हैव टू डू इट, होल्ड ऑन. एंड वो सब करते करते आई फाइनली रीच्ड माउंट एवरेस्ट. I'll tell you, I was exhausted. I was completely exhausted when I reached Mount Everest Base Camp. But trust me, the moment I saw that I'm here, सब भूल गई थी, सब tiredness जा चुकी थी. I was overwhelmed कि ये मैंने कर लिया, apart from उतना challenges और उतना ठंड और headache और whatever I was facing,
उसके बाद मैंने रीच्ड आई वॉज लाइक दिस इज अल्टीमेट. और हम वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि आपको माउंट एवरेस्ट अगर आप ज़्यादा रुकेंगे तो आपको अगेन ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है. सो मैक्सिमम हाफ एन आवर वी वर देयर और हम इमिजिएटली वापस गोरखशेप आए क्योंकि एंड फ्रॉम गोरखशेप टू माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो गुड लॉन्ग ट्रैक, लाइक 4-5 घंटे का ट्रैक है वो भी. एंड बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. लाइक मुझे ग्लेशियर्स दिख रहे थे. I happened to meet two Indians who were trekking, who were summiting to Mount Everest. So that was really nice. And the difficulty level, like after reaching there, I was like, you know, if I can do this, I can do anything in this world. Because this is something which is difficult. Mentally, you have to be very strong. Physically, you have to be strong. And you have to keep going, like one step at a time. That was my thing. राइट. नो आई वॉन्टेड टू स्टे देयर मोर क्योंकि बहुत कुछ था. बहुत मतलब आप इतने ओवरवेल्म थे इमोशन से कि मुझे समझ नहीं आया कि आधा घंटा कब निकल गया. सो व्हाइल ट्रैकिंग बैक मैं वापस सोच रही थी कि क्या मैं वापस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करूँगी. लाइक मे बी आई वॉन्ट टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम. शायद मेरे को अभी और एक्सपीरियंस है. तो पूरा वापस आते हुए आई वॉज लाइक कंटेम्पलेटिंग कि क्या मैं दूसरी बार कर सकती हूँ. लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, यहाँ पे और कुछ करना है मुझे. तो या इट इज़ देयर एंड या दैट हाफ एन आवर वॉज अमेजिंग. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. या the film, yeah, that's just got released on Hangama, an MX player called Dilliwala Dil. I wanted to promote it a lot, but I was at Mount Everest Base Camp, so I couldn't do anything. But it's a very nice love triangle, friendship, rivalry, love, betrayal. तो एक अच्छी स्टोरी है. और देव है मेरे साथ, सलमान है, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि एक अच्छी सी रोमांटिक स्टोरी है. I just want to say that if you decide something to do, na, you can do it. Because if I can do it when I'm shooting for 13 hours, 14 hours and still I can take out time and trek and go for 15 days trek and do it, I think anybody can do it. You just decide. You just have to decide that you want to do this. And you'll do. And trust me, while trekking, this incident also happened. Jab hum wapis aa rahe the, to snowfall ho raha tha. And we were walking in snowfall. To jo hamara track hai, उसमें आपको पाथ दिखता है लेकिन बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल वो रास्ता ढक गया एंड वी लॉस्ट अ वे. सो व्हेन वी लॉस्ट अ वे वी वर वॉकिंग एंड ट्रस्ट मी जब हम वहाँ पहुँचे और हमें किसी से पूछा कि क्योंकि स्नोफॉल इतना और था, वहाँ वैसे ही लोग नहीं है, एक छोटा सा गांव था. उसमें फॉर्चुनेटली हमें एक दो लोग मिल गए जिनसे हमने पूछा कि जहाँ हमें जाना था, हमारा जो टी हाउस जहाँ पे था उधर जाने के लिए, तो आई आस्क्ड हिम किधर है. तो उन्होंने हमें लिटरली बोला पहाड़ के उस तरफ. तो जब मैंने पहाड़ देखा तो वो आई लेवल पे था ही नहीं. उसको देखने के लिए मैं ऐसे हुई थी एंड दैट टाइम मैं लिटरली नीचे बैठ के मैं रो दी थी कि इतना ट्रैक करने के बाद मैं खो चुकी हूँ और मुझे ये नहीं पता कि इस पहाड़ के बाद मुझे कितना चलना है ताकि मैं उस जगह पर पहुँचूँ जहाँ और बाकी लोग जो मेरे साथ के हैं वो हैं. सो वी वर लाइक 3-4 पीपल जो रास्ता भटक चुके थे. और एक और चीज़ मैंने सीखी कि उस अकेले, एक बार तो मुझे लगा था यहाँ पे अब मैं बैठ के फ्रोजन हो के आई एम गॉन, पता नहीं जो ढूंढने आएगा तब मिलूंगी. लेकिन इट वाज अ रेंज, इट वाज अ माउंटेन रेंज जिसमें सिर्फ एक बार नहीं चढ़ना था, चढ़ के उतरना था, वापस चढ़ना था और फिर नीचे जाना था. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वहाँ जैसी मैं अपने जो हमारे अकोमोडेशन है वहाँ पहुँची थी तो मैं लिटरली रो पड़ी थी क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं खो गई थी वहाँ पर और मैं वापस पहुंच गई हूँ. सो नाउ अब मैं कोई भी पहाड़ को देखती हूँ, अगर कोई मुझे नॉर्मली बोलता कि ये चढ़ के उधर जाना है तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन अब मैंने वो किया है क्योंकि खो गए थे, ऑप्शन नहीं था और पहाड़ तो चढ़ ही रहे थे. मैम जैसे कि हमने आपका एक्सपीरियंस जाना, आपने अपने इमोशंस बताए, 15 डेज का ये कैंप था, आपने बताया जैसे कि आप
सेवन आवर्स आप मतलब सोए नहीं बैठ के आपको सोना पड़ता था, लेकिन मैम हमारे देश के जो अभी भी जवान है वो इसी टेम्परेचर इसी बात अभी भी है। 15 डेज के कैंप में आपके साथ इतने इंसिडेंट हुए, वो कई सालों से मतलब कई टाइम से वहाँ पे अभी भी तैनात है, राइट, और आपसे बेहतर उनके एक्सपीरियंस फिलहाल में कोई नहीं समझ सकता, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक अमेजिंग, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी फौजी थे जो ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट जो हमारे टीम लीडर हैं वो खुद एक फौजी रह चुके हैं और माउंट एवरेस्ट उन्होंने ट्रैक किया हुआ है, उन्होंने समिट किया हुआ है। एंड आई हैव कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, जो वन ऑफ माय फ्रेंड जो आर्मी के थे वो मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे। सो ही हैज़ बीन पोस्टेड टू ग्लेशियर्स, और बहुत बार मतलब हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है कि उनको ये बुरा लगता है कि वो गोली से नहीं मर रहे हैं, वो वेदर की वजह से मर जाते हैं, बिकॉज आप एक्लिमटाइज नहीं होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हेल्थ वाइज आपको इफ़ेक्ट होता है और उस वजह से काफ़ी इशूज़ होते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ 15-14 डेज जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी नहीं अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हैं हम टी हाउस में रह रहे हैं, तो वो टी हाउस में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मिनिमम है। यू हैव टू नो दैट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक और आपको बेसिक मिनिमम चीज़ें ही मिलेंगी। सो व्हेन आई लुक एट देम एंड आल्सो मुझे ये भी पता चला कि इंडिया की तरफ से काफ़ी जो हमारे फौजी हैं वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करते हैं। दिस इज़ लाइक एक रूटीन में भी होता है और अदरवाइज आल्सो दे डू इट। सो इट इज़ अमेजिंग बिकॉज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज 60 डेज, एंड 60 डेज नॉट जस्ट गोइंग देयर। मतलब मैंने पूछा उनसे तो एक्लेमटाइज करने के लिए उनको हर पॉइंट में ऊपर जाके वापस आना पड़ता है। सो दैट इज़ रियली चैलेंजिंग एंड हैट्स ऑफ टू आर सोल्जर्स जो यू नो ऐसे ऐसे एरियाज में पोस्टेड हैं जहाँ पे ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। मैम वहाँ से नीचे आने के बाद, मुंबई में आने के बाद आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से? Everybody was very proud and जैसे ही मैं वापस आई, पहले तो मैं थोड़ा मेरा गला ही आवाज़ ही जा चुकी है जो अभी तक रिकवरी मोड पे है, एंड यहाँ इतनी गर्मी है लाइक आई कांट टेल यू, वहाँ और यहाँ के क्लाइमेट में what do I say, there is so much of difference and I am like मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कुछ दिन फॉर वन वीक ना मैंने लिटरली सबको बोला था मुझे सिर्फ सोने दो बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट, सो आई वॉज लिटरली स्लीपिंग डे नाइट। बट एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आई हैव अचीव्ड समथिंग विच इज़ रियली रियली अमेजिंग, एंड आई थिंक मुझे भी अब धीरे धीरे वो सिंक इन हो रहा है कि मैंने कुछ तो अच्छा किया है। जी यू नो ये प्लान नहीं था, बट आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड एट दिस टाइम, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है और कुछ स्पेशल एंड मोर स्पेशल बिकॉज मेरी मॉम हमेशा मतलब व्हेन शी वाज यंग सो शी वाज वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो ट्रैक ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी, एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट ट्रैक, तो एंड शी शेयर्स बर्थडे विद मी, सो आई थिंक दिस इज़ माई गिफ्ट टू हर that you know you wanted to, so I'm doing it and it's a gift for her. Thank you so much ma'am. Thank you. बहुत अच्छा लगा है, हमने यही बैठकर उस वादियों की मजा ले लिया आपके द्वारा। Thank you so much. It's beautiful and I really want कि अगर आप लोग थोड़े भी adventurous हैं and if you really want to just you should experience this. It is difficult but अगर आप prepare होके जाओगे ना, it's fun. Thank you so much. Thank you. Thank you.